हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहाली से NIUS शिक्षकों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता, रेगुलर BEd एवं DLED डबल बेंच में करेंगे अपील। तो न्यूज़ देखने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब भी वीडियो जाता है तो उसमें कुछ NIUS DLED वाले होते हैं, कुछ BEd वाले होते हैं और कुछ रेगुलर DLED वाले होते हैं। तो जैसे आप सोचो खुद कि कोई न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के बारे में दिखाएगा, नहीं ना, वो सबके बारे में दिखाता है, क्या सही है क्या गलत है सब कुछ दिखाएगा। तो न्यूज़पेपर में आया है NIUS वाले को बाहर का रास्ता दिखाएंगे रेगुलर BEd और DLED वाले। तो यहाँ पे मेरे बारे में सोचो आप, मुझे जो आप लोग कुछ बोलते हो कमेंट में, तो उससे पहले सोचो कि मुझे इस नियोजन से ना NIUS वाले से कोई विशेष मतलब है, ना कोई BEd वाले से विशेष मतलब है, ना रेगुलर DLED वाले से विशेष मतलब है। मेरा काम है न्यूज आप लोगों तक प्रोवाइड करवाना। जो भी न्यूज आता है देखते हो किसी भी तरह का, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि लोगों को ये चीज़ पता चले। तो फिर आप लोगों को ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं किसी का पक्ष, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपके मानसिकता से लगता है कि आप BEd के पक्ष में हो। मैं क्यों रहूँगी BEd के पक्ष में, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। जो रियल होता है वही मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो न्यूज़पेपर में आया है, सोचिए आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश संयोजक सोनू कुमार सोनू की अध्यक्षता में रविवार को MKJ कॉलेज परिसर में बैठक आयोजित की गई। बिटिया का न्यूज़पेपर है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि NIUS शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और इस तरह की बैठक और अलग अलग जिलों में भी हो रही है, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। इसको लेकर सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने का फैसला किया गया। प्रदेश संयोजक श्री सोनी ने कहा कि पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा NIUS DLED को सूबे में हो रहे शिक्षक बहाली में शामिल करने के लिए सरकार को विचार करने के लिए कहा। इस फैसले से राज्य भर के रेगुलर BEd एवं DLED छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल शिक्षक भर्ती से संबंधित नियम बनाने का अधिकार NCTE को है एवं NCTE के अनुसार NIUS DLED 18 माह का कोर्स है। साथ ही ये कोर्स सेवारत शिक्षकों के लिए था। NCTE के गाइडलाइन के अनुसार यह कोर्स नए शिक्षक भर्ती हेतु सारी योग्यता और अर्हता के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने भी NIUS की बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के संदर्भ में नियोजन इकाई को लेटर लिखा था। बैठक में आशु कुमार, सुजीत कुमार, नवीन कुमार, संजीव कुमार, बबलू कुमार, सौरभ कुमार, उपेंद्र कुमार, धीरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, चंदन कुमार, मंजूर आलम, मोहन अमित, अखिलेश कुमार, मुरारी यादव समेत तमाम उपस्थित रहे। तो ये न्यूज है NIUS के खिलाफ। जो रेगुलर BEd DLED वाले हैं वो जो डबल बेंच में जाने वाले हैं उसको लेकर कई न्यूज़पेपर में आया है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर का नहीं है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर वाले तो कुछ भी छाप देते हैं तो आप क्यों बताने लगती है। तो जो न्यूज़पेपर में है वही मैं दिखा रही हूँ। इस जो भी न्यूज़ है इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ कि ये सही है या गलत है, बस न्यूज़पेपर में आया मैं आप लोगों को बताई। आगे नियोजन प्रक्रिया पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि नियोजन प्रक्रिया देख रहे हो एकदम शिथिल पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आगे कैसे क्या होने वाला है, तो जो भी जानकारियाँ मेरे पास है तो आप लोगों से शेयर करूँगी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।